नंबर कितने आए एसएसटी में? एसएसटी में फुल हिंदी में? फुल। झूठ बोल रहा है ना? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है दक्ष कार्की। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एकदम शांत हो रहा है माहौल। आपको भी बैकग्राउंड में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होगा मम्मी के कदमों के अलावा। और रोज़ की तरह मैं स्कूल के लिए रेडी हो चुका हूँ। मैं स्कूल की तरफ निकल रहा हूँ और आज है मेरा लास्ट टेस्ट, आज मैथ्स का है। और साथ में अब से रेगुलर स्कूल भी स्टार्ट हो जाएंगे आज से ही। सबसे पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिर जैसे कि रोज होता है ना रेगुलर स्कूल, वैसे होगा। ये वाला जूता ढीला जैसा लग रहा है, कोई बात नहीं। अभी तो मैं बस स्टॉप की तरफ निकल चुका हूँ। अभी बस पता नहीं आधे रास्ते से ज़्यादा मैं पहुँच गई होगी। बस आज ट्रैक भी नहीं हुई है। बस आज ट्रैक भी नहीं हो रही है। मम्मी हाँ दूसरी तरफ से आ रही होगी या फिर दूसरी बस आ रही होगी। और वाली क्या कह रहा हूँ मैं, जब पिछली थोड़ी देर पहले मम्मी ने जब चेक किया था बस क्या कहाँ पर है, तो उस टाइम तो स्कूल में दिखाया था। अभी भी दूसरी बस आ रही होगी, बस खराब हो गई। हाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जैसी आ गई होगी, दूसरी बस आ रही होगी। तो देखते हैं, मुँह से धुआं निकल रहा है, ठंडा ज़्यादा हो रहा है आज। बट मुझे जब मैं सुबह उठा था जम गया था एकदम मैं। तेज धूप आ जाती है, आज धूप नहीं आई पहाड़ों में, ऊपर ही है धूप। हाँ हाँ वहाँ पर देखो फ्रेंड्स। हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में सकुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया है। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग इस प्रकार है कि काम पूजा पाठ करके जो डेली का अपना रूटीन है वो कंप्लीट हो चुका है। दुकान जा रही हूँ फिलहाल दूध लेने के लिए, दूध नहीं है घर में, चाय बनाऊंगी। उसके बाद दक्ष जा चुका है स्कूल, आज उसका लास्ट टेस्ट है। बट उसके बाद भी आज जैसे और दिन जल्दी छुट्टी हो जाती थी, अब आज से डेली रूटीन स्टार्ट हो गया जो उसने आपको बताया। लेट ही आएगा स्कूल से, आराम से आएगा, आज टिफिन वगैरह सब कुछ लेके गया है। मैथ का टेस्ट है तो उसने उसको कोई टेंशन ही नहीं है। कल ट्यूशन में उसने जो किया होगा रिवीजन अपना, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। सारी चीज़ें मैथ में थोड़ा सा टच उड अच्छा है, मतलब उसको मैथ सबसे ज़्यादा पसंद है। तो बस यही आज का दिन की शुरुआत है। आज धूप अभी तक थोड़ा सा लेट आई है, और उसके अकॉर्डिंग जैसे आ जाती थी उसके अकॉर्डिंग आज थोड़ा सा लेट आई है। तो अब ऐसा ही होगा, ऐसा है। अभी तक तो कोहरा लगना स्टार्ट नहीं हुआ है, अदरवाइज़ तो कोहरा लगना स्टार्ट हो जाता था इस टाइम तक। तो मैं जा रही हूँ अभी दुकान में दूध लेने के लिए, दूध लेके आना है, ब्रेड लेके आना है। और ये देखिए सूरज अच्छा सा निकल के आ गया है बाहर, पर मुझे धूप में बैठने का ना मेरे को मन नहीं करता, मतलब मन करता है बट मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाती हूँ, मेरे साथ ऐसा दिक्कत है। और धूप दिन में तो इतनी तेज़ आ रही है कि गर्मी लग जा रही है। तो जाती हूँ दुकान, दूध लेके ब्रेड लेके आती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। आ गई हूँ, दूध और एक आध मसाले, जैसे क्या था, लाल मिर्च पाउडर वगैरह 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 वगैरह, सब्जी मसाला, सारी चीज़ें। अभी पहले दूध बॉईल करने के लिए रखना है, दूध बॉईल होगा ठंडा होगा उसके बाद जाके चाय बनेगी, क्योंकि कच्चे दूध की चाय अच्छी नहीं होती है इसलिए। तो इसको बॉईल कर लेती हूँ पहले। हाँ जी मित्रों, तो मैं जा रही हूँ बाहर ज़रा सा काम से, मार्केट की तरफ, काम है कुछ मुझे, तो वो निपटा के आती हूँ चाबी ले लिए। और मुझे ये चाबी देख के ना बड़ी खुशी मिल रही है अपनी, ये चाबी का छल्ला थी कि मैंने जितने साल में स्कूटी हो गई उतने साल मैंने चाबी का छल्ला चेंज नहीं किया था। वो चाबी का छल्ला मेरे हस्बैंड को मुंबई से किसी ने गिफ्ट दिया था, तो वो मैंने हड़प लिया था उनसे अपने लिए। चाबी का छल्ला, पर्स, घड़ी, बहुत सारी चीज़ें थी। दो घड़ी थी जेंट्स और लेडीज़, तो वो भी मैंने ले ली थी। एक लेडीज़ घड़ी मेरे लिए थी, एक उनके लिए थी, एक पर्स था जो उन्होंने ले लिया था, एटीएम कार्ड रखने वाला बॉक्स, और चाबी का छल्ला था वो भी टूट गया था, वो जैसा था ओरिजिनल वैसा बहुत अच्छा था। तो मैं निकलती हूँ फटाफट से, जहाँ मुझे जाना है वहाँ मिलना होगा तो ठीक है, नहीं तो वहाँ से आके मिलती हूँ। जी मैं तो आ चुकी हूँ घर, ये है सब सामान, ये सब्जी फ्रूट से ही हमारा पूरा नहीं होता। आप लोग भी बोलते होंगे कि ये कितना सब्जी वगैरह लेके आती है, और भी चीज़ थी, और भी काम था, वो भी था, तो वो भी हो गया। और ये सब सामान भी ले आई, फ्रूट, सब्जी, अमरूद, मेरे बेटे को अमरूद अमरूद हो रहा था, इस बार 2 किलो ले आई एक साथ ही। तो अब कपड़े चेंज करती हूँ सबसे पहले, उसके बाद चाय बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। चाय तो पी ली है, और ब्लॉग भी मैंने अपलोड कर दिया है। मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं करा था क्योंकि
तो लेट हो गया था, वो अपलोड कर दिया है। और खाने में ऐसा है कि रोटी बनाई जाएगी, सुबह की सब्जी है क्योंकि उसके साथ ही रोटी बनाऊंगी मैं। तो इधर थोड़ा सा मैंने सामान फैलाया था घर में, कुछ इनको सबको अच्छे से रख देती हूँ, फिर जब दक्ष आएगा तो तब उसको आप लोगों से मिलवाऊंगी मैं, है ना। आज वो इतने दिनों बाद ऐसा हो रहा है कि लेट आ रहा है, तो अजीब सा लग रहा है घर में कि अरे इतना लेट आ रहा है करके, कहाँ चले गया। आदत हो जाती है ना ऐसी, उसको भी थोड़ा सा फ्री टाइम उसको भी मिल जा रहा था थोड़ा बहुत। बट अब क्या करें, स्कूल तो स्कूल है। और मैं आज गाजर लेके आई हूँ, मैं गाजर खाती हूँ अभी एक कट करके। इस बार हमने गाजर मूंगफली ये चीज़ें खाई ही नहीं है अभी, तो पहले इसे कट कर लेते हैं। सर हम ना आज का दिन बढ़िया टेस्ट कैसा गया मैथ का? बढ़िया। दो सब्जेक्ट के मार्क्स बताए दिखाए तो अभी, अच्छा SST और हिंदी। अच्छा और वो आप बाकी का दिन कैसा गया? बढ़िया। खाना खाया? हाँ ओके। पेट भर गया था ना? नंबर कितने आए SST में? SST में फुल हिंदी में? फुल, झूठ बोल रहा है ना? सच्ची में। पक्का 20 में से 20? हाँ अच्छा। और किसी सब्जेक्ट के नहीं बताए? वो मैथ्स के कल मिलेंगे। अच्छा मैथ का कैसा गया वैसे? बढ़िया, सुपर इजी? छुपर छुपर दी, ठीक है चल। बहुत सब आ रहे थे मुझे, सब कुछ। सब कुछ आ रहा होगा ना मैथ में, तो मुझे पता ही है ना, कॉन्फिडेंस रहा था। किसी सब्जेक्ट में काम वाम कराया? कुछ नहीं कराया आज। कल क्या ले जाना है SST में? हिस्ट्री? हिस्ट्री, हाँ आज भी हिस्ट्री लेके आता। हिंदी में क्या ले जाना है, व्याकरण या हिंदी? हिंदी, और इंग्लिश में क्या ले जाना है, लिटरेचर? इंग्लिश का आज पीरियड नहीं, मैम ने बताया नहीं, चल चल ठीक है, कपड़े चेंज क्योंकि कर। एग्जाम हाथ, था ना। हाँ हाथ बात धो ले फिर खाना खाएगा। धो दिए किचन में, और शाम के लिए सब्जी काट दी, गोभी गाजर है, मटर आलू डालेंगे। और यहाँ पे मैंने निकाल रखी है मलाई, इसका घी बनाना है आज सब। और यहाँ पर जो है बर्तन धुल चुके हैं सारे के सारे, दक्ष खा रहा है अंदर खाना, मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। ये सब करने में ना किचन बहुत मैसी हो जाता है, तो वो सब भी साफ़ करा, पोछा लगाया किचन में। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मलाई का मक्खन बनाएंगे, फिर घी निकालेंगे। इसके फिलहाल तो दक्ष के कपड़े निकालते हैं अलमारी से, ट्यूशन जाएगा ना इसलिए। बाय। यहाँ पे बन रहा है घी अभी। आज मैंने क्या करा, मैंने मक्खन नहीं निकाला डायरेक्ट, इसको पकाने रख दिया। निकाला क्या नहीं सच बताऊँ तो, मैं निकाल दी थी बट इसमें से मक्खन बना नहीं मतलब मुझसे, तो मैंने डायरेक्ट इसको पकाने के लिए रख दिया। अब इसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा पकने में, और टेस्ट भी थोड़ा सा अलग होगा, बहुत मतलब बुरा नहीं होता है, अलग होता है बस ये है, इसका टेस्ट अलग होता है, उसका अलग होता है। तो इसको पका रही हूँ, फिर दक्ष आएगा फिर बनेगी हमारी सब्जी। ये घी बन चुका है, थोड़ा सा इसमें ये भी गिर गया, और इतना ये निकला इसका जो जिसका मक्खन बनता। और इधर मुनू ट्यूशन से आने के बाद अपनी कर रहा है गाने की प्रैक्टिस, इसमें बजा के देख रहा है, क्योंकि अब जल्दी नए गाने की रिकॉर्डिंग होगी जिसका सब लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार रहता है। तो उत्तरायणी के लिए एक नया गाना तैयार हो रहा है दक्ष का, तो बहुत ही सुंदर शब्द है उसके, सारी चीजें बाकी मैं सब आपको बाद में बताऊंगी, अभी तो सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है। तो बहुत जल्दी आएगा गाना, उत्तरायणी के लिए आएगा, उत्तरायणी तक आ जाएगा मतलब आप लोगों के सामने। तो बस तैयारियां उसी की चल रही है, उसकी प्रैक्टिस कर रहा है। मेरे को आज घी बनाने में लग गया बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि ये बिना मक्खन निकाले अगर बनाओ तो बहुत टाइम लगता है। तो अब मैं बर्तन धो के उसके बाद सब्जी बनाती हूँ, फिर दिया वगैरह सब कुछ कर दिया है मैंने, अंधेरा हो चुका है बाहर, फिर उसके बाद मिलूंगी। आज दक्ष ने बहुत सारी प्रैक्टिस करी और बहुत सारा डांस भी करा पापा के गानों में, अपने स्टेप बनाने में लगा था। अब मैं बनाती हूँ रोटियाँ, रोटी बना दूँ ना? हाँ ठीक है, अब मैं इसके लिए रोटी बनाती हूँ फटाफट से, टाइम हो रहा है फिर सोना भी है। तो जी ये रहा मेरा खाना, ये है बीट रूट, ये है कैरेट, और ये है अमरूद, है बीट रूट ये है इसमें, और ये है दक्ष का खाना मिक्स वेज और रोटियाँ, घी लगी हुई इसमें, मैं नमक लगाऊंगी ये खाऊंगी। और ये यहाँ पे खा रहा है, आज इसने बहुत मेहनत करी है, बहुत प्रैक्टिस करी है गानों की भी। और जीना जीना वाले गाने का क्या सीख रहा था तू अभी? आपको दिखाओ फिर आप इसे दिखाओ, थोड़ा सा बजा, क्या सीख रहा था बता तो। याले पियानो में बड़ा है हुँ. जो फर्स्ट में टट 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 वाली टोन बजती है। अच्छा, हाँ ये सीखा है इसने, दिखा रहा है ये। गया।
यही है इसकी कारिस्तानी। और अब मैं इसको, अच्छा मैं नमक तो लेके आई नहीं, मैं इसमें नमक लेके आती हूँ, इसको खाती हूँ और मिलते हैं आप लोगों को कल। और इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे करते हैं एंड। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।